हेलो एवरीवन, खुदा में आपकी सलामती हो। जय मसीह की। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही डिस्टर्बिंग है, अनोइंग है, और मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ इस आदमी के साथ। इसका नाम है इरफान जुगनू, और इसने मेरा ना काफ़ी बेइज्जती की है, काफ़ी मुझे जिल्लत दी है। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ ताकि आपको हकीकत पता चले कि हुआ क्या था, क्योंकि जो इसने अपनी लाइव वीडियो भेजी है इट हैज़ नो सेंस, और जो उसको फॉलोअर्स या उसके जो कमेंट देने वाले हैं उनको पूरी स्टोरी पता नहीं है। तो जब आपको आधी स्टोरी पता हो दैट इज़ वेरी डेंजरस। आपके लिए ज़रूरी है ये जानना, ये समझना कि प्रॉब्लम क्या था, कहाँ से ये बात शुरू हुई और अब क्या हुआ। तो जब आपको पूरी बात नहीं पता तो आप गलत किस्म के कमेंट ना करें, क्योंकि आप किसी एक ऐसे शख्स को गलत बढ़ावा दे रहे हैं जो आगे जाके पता नहीं क्या नुकसान करे। उसने तो कह दिया आप इस औरत से बात ना करें, इसे मिले ना, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आपको उसकी असलियत जानना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक पे जो ये बात हो रही है। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, वो क्या है, क्या नहीं है, जब तक आपकी फाइंडिंग्स ना हो, जिसे हम कहते हैं दलील देना या ढूंढना या हकीकत जानना उर्दू में, तो जब तक आपकी फाइंडिंग नहीं है आप उस वक़्त तक अपनी डॉक्यूमेंट्री ना करें। सो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। मैंने एक पोस्ट डाली थी जो मैं हमेशा डालती हूँ, आज भी डालती हूँ, और मुझे किसी का डर नहीं है, और ना मैं इससे डरती हूँ ना किसी और से डरती हूँ। मैं हमेशा से पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को सपोर्ट करती आई हूँ। ये तो आज 4 दिन हुए मुझे मिला। मैं 2013 से, बल्कि उससे भी पहले जब हम पाकिस्तान में भी थे तब भी हेल्प करते थे, मेरी माँ भी हेल्प करती थी, मेरा बाप बहुत लोगों को वॉलंटियर करके देता था, उनको चैरिटी हमने बहुत दिए। तो मैं उसमें नहीं जा रही कि हम क्या करते थे और क्या नहीं। अच्छा, इसका कनेक्शन इनकी एक कज़न है फरा नास, उन्होंने मुझे दिया, और फरा से मेरी कनेक्शन हुआ एक प्रोफेशनल पेज के ऊपर जहाँ मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं वॉलंटियर्स, वॉलंटियर का मतलब होता है जो लोग फ्री में काम करते हों और उनको रेफरेंस लेटर चाहिए हो, या वो फिल्म में या किसी भी प्रोजेक्ट में एक्सपोजर चाहते हों, या उनका इंटरेस्ट हो और वो चाहते हों कि हम उसमें मेहनत करें, काम करें, ताकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे निकलने का मौका मिले। तो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसका मैंने पोस्ट डाली थी। इसमें मुझे फरा ने कॉन्टैक्ट किया, फरा ने अपने कज़न का कॉन्टैक्ट मुझे करवाया, वो ये कह के कि ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल मैन, ही इज़ वर्किंग विद वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बिग पीपल, बड़े नाम हैं, बड़ा ये बड़ा वो, जैसे कहते हैं ना शेख चिल्ली, वैसा उस वक़्त इसका इमेज बनाया गया। एनी हाउ मैंने भी ट्रस्ट कर लिया, फरा से मेरी बहुत अच्छी बातचीत रही, मेरा कोई उसे किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं हुआ इन द बिगिनिंग, जब तक ये ऐड नहीं हुआ। मैं इरफान जुगनू की बात कर रही हूँ। अच्छा, जब फरा ने मुझे इसे रेकमेंड कराया तो मैंने फरा को स्पेसिफिकली कहा कि आप इसके अंदर रहना, क्योंकि मैं इसको नहीं जानती और मेरी कम्युनिकेशन आपसे हुई है, आपने मुझे इसे रेकमेंड करवाया, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक हमारा काम ना हो जाए आप इसमें इन्वॉल्व रहो। और मैंने उसको भी यही कहा था कि इट्स अ वॉलंटियर इन द बिगिनिंग, अगर मुझे आपका काम अच्छा लगा तो मैं आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लूँगी, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी, और उसके बाद मैं आपको अपने चैनल्स में, जहाँ भी मैं रहती हूँ, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं दुनिया भर में, उससे आपको कनेक्ट करवाऊँगी, आपको एक अच्छा रेफरेंस लेटर दूँगी, और जहाँ भी मेरी मूवी का काम होगा उसमें मैं आपको प्रायोरिटी दूँगी। सबसे पहले पाकिस्तान में क्रिश्चियंस इस लाइक नहीं हैं, कोई काम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई उनका एक्सपोजर नहीं है, कोई उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, किसी किस्म की उनके इंटरनेशनल कनेक्शन एक्सपोजर नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर ये बच्ची पढ़ रही है, शी इज़ नॉट बच्ची, लाइक शी इज़ अ वुमेन, अगर ये औरत पढ़ रही है और इसने सीखा है, फिल्म स्कूलिंग में गई है, और वो एक प्रोजेक्ट भी ढूंढ रही है, उसका भी इंटरेस्ट है, उसकी भी विजन एंड मिशन सेम है, तो व्हाई नॉट वी वर्क टुगेदर। तो मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए ये हाँ की। अच्छा, इस बीच में उनका कुछ जॉब का इशू हुआ, वो अपना सिटी से, आई थिंक मुल्तान में शायद वो रहती थी, वहाँ से वो मूव कर रही थी, और उसके कुछ घर में इश्यूज भी थे, आई रियली डोंट नो क्या था वो। शी सेड कि मैं खुद अभी इस वक्त ये सब नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं मूव हो रही हूँ, और उसको एक सिटी से दूसरी सिटी में, आई थिंक इस्लामाबाद वो जा रही थी, उस वक्त पैकिंग, मूविंग, बहुत सारा काम था। तो मैंने कहा दैट्स फाइन, आप जाओ अपना करो, और जो भी करना है मुझे आप इस बंदे से मिला दो, हम मज़ीद काम इससे देख लेते हैं। उसने ये भी कहा कि आप इसके साथ कनेक्ट रहना है, जब तक कि मैं सेटल ना हो जाऊँ तब मैं आपसे टेक ओवर करूँगी, इस शख्स से, इरफान जुगनू जो है।
एनी हाउ इरफारा से तो मेरी ईमेल पे भी बात हुई, हमारी फ़ोन पे, हमारी टेक्स्ट पे, वॉइस मैसेजेस, हर तरह की बात हुई। मेरे पास सारे एविडेंस हैं जो मैंने पैसे भेजे, चाहे मैंने इरफान को भेजे, चाहे फ़रा को भेजे, जिस किसी को भी भेजे, मेरे आज सारे के सारे रिसीट्स ऑफिशियल हैं। क्योंकि हमने यहाँ टैक्स भरना होता है, इसलिए हम चीट नहीं कर सकते, हम यहाँ झूठ नहीं बोल सकते गवर्नमेंट को। हम पाकिस्तानी होकर यहाँ एक अच्छा नमूना देते हैं, जिससे दुनिया को एक ट्रस्ट आए। और मैंने इस प्रोजेक्ट पे 10 साल लगाए, और ये खुदावंद की तरफ से था। अगर आपको मेरे पर कोई भी किसी किस्म का शक है, शुबा है, आप जाइए, मेरी जो 2013 या उससे भी पहले की लाइफ स्टाइल है, सोशल मीडिया आप चेक कर सकते हैं, उसमें आप ज़रूर देखिएगा। एनी हाउ, जुगनू से बात हुई, इस को भी मैंने यही ऑफर की कि आप वॉलंटियर होंगे और आपने बिगिनिंग में ऐसे ही करना है जो फरा के साथ कमिटमेंट थी। उसके बाद इसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं काम शुरू करता हूँ और मैं आपको सैंपल बना के दूंगा, अगर आपको मेरा सैंपल अच्छा लगे तो आप मुझे पैसे दे देना। मेरी बात वॉलंटियर की थी, मेरी बात पेमेंट की नहीं थी। तो इसने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बहुत बड़े पैमाने पे काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा बिजनेस है, ब्ला ब्ला, तो मैं जो हूँ वो फ्री नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा मैं आपको पाकिस्तान के एक हिस्से में, आप कहाँ रहते हैं, दुनिया आपको जानती भी नहीं है, मैं आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रही हूँ, इस एक्सपोजर में आपको बहुत सारे लोग जानेंगे, पहचानेंगे, देखेंगे, तो इसलिए आपको ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है वो कोई नहीं दे सकता। एनी हाउ, मैंने पैसे का बहस नहीं की, मैंने कहा ठीक है आप कीजिए जो भी करना है और हम मजीद देखेंगे कि काम कैसा है। आई थिंक ये बात हुई, कोई हमारी बातें होती होती, कोई समर था, अगस्त सितंबर गुजरा और फिर नवंबर, अक्टूबर नवंबर आ गया, तो इसने एक सैम्पल ज़रूर बनाया जिसे मैं डिनाई नहीं कर रही, और उस सैम्पल के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थी। अच्छा, इसको समझ नहीं आती, ही इज़ नॉट अ पर्सन जिसको आप समझाएं और ये उस लेवल पे जाके समझे और फिर उसको परफॉर्म कर सके। इसके अंदर वो कैलिबर नहीं है कि ये क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको कॉम्प्रिहेंड कर सके। तो मैंने इसको बार बार कॉल करना, बार बार फ़ोन पे समझाना, बार बार इसको डिटेल्स, बहुत छोटी 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 चीज़ें भी इसको समझ में नहीं आ रही थी। और मैं वो भी आपको डिटेल बताऊंगी कि मेरी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी या रिक्वायरमेंट थी या है अभी भी, वो मीट ये कर ही नहीं सका। मैंने कहा आप सैम्पल बनाओ और मुझे दिखाओ आप क्या कह रहे हो, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप को कितना समझ में आया। एनी हाउ, वो सैंपल भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसने पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा, ऊंटा ऊंचा नीचा, कैसा गंदा सा एक सैंपल बनाया और मुझे भेजा, तो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने फरा को भी कहा, मैंने कहा आप तो कह रहे थे ये 3D, 2D, 1D, पता नहीं कौन से डिजिटल और एनिमेशन में काम करता है, तो इसको तो एनिमेशन के स्पेलिंग भी नहीं आते, उसकी इंग्लिश इतनी ख़राब है, उसको इंग्लिश में समझाओ तो समझ नहीं आती, उसको टेक्स्ट में जब करती हूँ इंग्लिश में वो पढ़ नहीं सकता, वो हमेशा कहता है मुझे कॉल करें, आप मुझे मेरी वॉइस मैसेज करें। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट करूं, क्योंकि आपका दिन होता है तो मेरी रात होती है, जब मेरी रात होती है तो आपका दिन होता है, हमारा 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो मुझे बहुत कम कॉम्प्लिकेट लग रहा था कि इस बंदे के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए। एनी हाउ, कम्युनिकेशन बहुत हार्ड हो गया। मैंने इसको फिर वॉइस मैसेज टेक्स्ट करना शुरू किया, और मैंने इसको छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज किए, कोई 8 मिनट का होगा, कोई 9 का होगा, कोई 10 का भी होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन थी कि मैं क्या चाह रही हूँ। अब हमने फरा के साथ इसके साथ बात की एक दफ़ा, फिर मैंने इसको टेक्स्ट किया कि मैं चाह क्या रही हूँ, ताकि ये अगर मैं नहीं भी वहाँ आपको मिली तो आप मेरे टेक्स्ट पढ़ के अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं क्या चाह रही हूँ। फिर वो भी इसको समझ में ना आए। अच्छा, जब मैंने इसको वॉइस मैसेजेस किए तो इसको वो भी समझ में ना आए। फिर मुझे कहने लगा कि आपके इतने लंबे लंबे वॉइस मैसेजेस होते हैं तो मुझे तो समझ नहीं आता आप क्या कहती रहती हैं। अब इसका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है, एंड ही इज़ वेरी इलिटरेट, ना इंग्लिश आती है, ना इंग्लिश बोल सकता है, ना इंग्लिश पढ़ सकता है, ना इंग्लिश के जवाब दे, स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी थी लोगों के अंदर। छोटा सा मेरा सिर्फ एक प्रोडक्शन कंपनी का नाम है, दैट्स ऑल मैंने उससे कहा, वो भी मिस्टेक, वो बार बार करेक्ट करवाया, वो भी इसे करेक्ट ना हो, कभी ए हटा दे, कभी बी हटा दे, कभी एस हटा दे, कभी मिक्स कर दे स्पेलिंग, बड़ी अजीब सी अंडरस्टैंडिंग है इसकी।
एनी हाउ मैंने वो भी टाइम लिया, मैंने कहा इट्स ओके, अपना भाई है, क्रिश्चियन है, मुझे इनको हेल्प करना चाहिए। अगर वो सीखना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे एक अपॉर्चुनिटी, मौका दूँ। तो मैंने वो मौका दिया, बहुत दिया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़े। अच्छा 2 महीने गुजर गए तो फिर भी हाँ मैं बना रहा हूँ, हाँ मैं सीख रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं घर पे, मुझे उनको कोच करना होता है, मैं तो कितने 10-12 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ और मैं एक टीम बना रहा हूँ कि मैं इन बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँ। तो मुझे इसने बहुत सारे लारे लप्पे दिए, जिसे हम फेक स्टेटमेंट्स कहते हैं, तो उस पे भी मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप, लेकिन आप मेरा काम इग्नोर नहीं करें, मैंने आपको जो काम दिया है वो आपको करना है। फिर ये रोने बैठ गया कि ओ अब तो बच्चे नहीं आ रहे, अब मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरे घर में तंगी आ गई, मेरा ये मेरा वो तंग। उस वक्त क्रिसमस करीब करीब आ चुका था और हमने ट्रेवल करना था इंडिया फॉर माय फिल्म फेस्टिवल्स। तो मैंने उसको पहले ही कह दिया कि मैं जब इंडिया जाऊंगी तो वहां पर मैं चाहूंगी कि मेरी शॉर्ट मूवी या मेरा जो टीज़र ट्रेलर है ब्रांड न्यू, वो बन सके। तो ये सारी बात हमारी कम्युनिकेशन में अभी तक चल रही है, अभी तक कुछ नहीं बना, कोई चीज़ इसने मुझे सैम्पल में नहीं दी। कहता रहा बनाता हूँ, बट बीच में इसने मुझे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देना शुरू किए कि मैं आज तहमीना के साथ सिंगिंग में जा रहा हूँ, आज मेरा पता नहीं किस किस के नाम ले लेके कि मेरा आज उसके साथ कॉन्सर्ट है, आज मेरी कोई बहुत बड़ी कन्वेंशन है, बाहर से कुछ लोग। हर दफ़ा जितनी दफ़ा मैंने इससे कहा कि कब बनेगा, हर दफ़ा इसने मुझे एक स्टोरी सुना दी जिसके अंदर ये कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। आपको अगर नहीं करना तो आप साफ अल्फाजों में कह सकते हैं आई एम टू बिजी, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मेक इट। तो मैं आपके पीछे पीछे नहीं पड़ती और मैं आपको नहीं फोर्स करती, और आप मुझे जो धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो मैं ना करती तो हमारी बात वहीं ख़त्म हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड, आई मेक अनदर वीडियो, ये कंटिन्यू होगा, मैं आपको पूरी स्टोरी समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या था क्या नहीं, और जो इसने हरकत की ऑन लाइव उसका आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। सो कंटिन्यू एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, आपको और भी बहुत सारी वहाँ वीडियो मिलेंगी, आप वो भी देख सकते हैं कि लोगों का मेरे साथ मेल मिलाप क्या है और वो कौन लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते आए और जो मेरे साथ खड़े थे या दुआएं करते थे या मेरे कामों में मेरे साथ थे, वो कौन लोग थे। तो जो भी इसने वीडियोस में कहा, मेरे पास उसके वॉइस मैसेज भी हैं, वो मैं अपनी वीडियो में आपको अभी रिसेंटली जो हुआ वो भी बताऊँगी, और जो इसके कमेंट्स हैं, जो गंदी बातें ये करता है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये है क्या और कैसे इसके साथ डील करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सो कंटिन्यू वॉचिंग, आई विल बी क्रिएटिंग अनदर वीडियो एंड दैट विल बी ऑल्सो पोस्टेड वेरी सून।